एक बार स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आपका दोस्त आपका फिर से हाजिर है आपके पास एक नए अपडेट के साथ। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे व्हाट्सएप पर आए हुए कुछ नए अपडेट के बारे में। व्हाट्सएप में क्या नया अपडेट हुआ है और कैसी सेटिंग आपको आप देखने को मिलेंगी और इससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, वो सेटिंग आपको कहाँ पर मिली, पूरी की पूरी जानकारी हम आज के इस छोटे से वीडियो में आपको बताने वाले हैं। और उस सेटिंग को आप कैसे यूज़ करेंगे, कैसे इनेबल करेंगे और इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, पूरी पूरी जानकारी हम आपको आज इस छोटे से वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को आपको स्टार्ट से लेकर आखिर तक आपको देखना होगा। जो भी फ्यूचर आपको अच्छा लगे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताना आपको इसमें से कौन सा फ्यूचर अच्छा लगा। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों में वीडियो शेयर जरूर करना। अभी हम बात करेंगे फ्यूचर नंबर 1 के बारे में। देखिए व्हाट्सएप ने यहाँ पर एक नया अपडेट लाया है जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। अपडेट नंबर 1 मैसेज सेंडिंग से रिलेटेड है। जैसे कि आप सभी को पता है बाई चांस अगर किसी को आप कुछ भेज रहे और गलती से कुछ गलत चला जाए तो आपको एक ही ऑप्शन देखने को मिलता था, डिलीट एवरीवन या डिलीट फॉर मी, बस ये दो ऑप्शन आपको देखने को मिलता था। अब आपको वहाँ पर और एक एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, वहाँ पर देखने को मिलेगा आपको एडिटिंग। जैसे कि आप किसी को मैसेज भेजते हैं वहाँ पर आप डिलीट एवरीवन भी कर सकते हैं, डिलीट फॉर मी भी कर सकते हैं, या तो उस मैसेज को ही आप एडिट करके सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको डिलीट के साथ एडिट करने का भी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। दो नंबर वाला अपडेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना ये वाला अपडेट आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। तो यहाँ पर आपको देखिए जो चैट होती है इसको लॉक करने का भी ऑप्शन आपको अब देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं आपके साथ स्क्रीन रिकॉर्डिंग शेयर कर रहा हूँ, तो आप भी इस तरह से जाके अपने चैट को लॉक कर सकते हैं। तो देखिए उसके लिए क्या करेंगे, आप जिस भी बंदे से आप चैट कर रहे हैं उस चैट पर जाएंगे, वहाँ पर स्क्रीन लॉक का ऑप्शन नज़र आएगा तो उसे लॉक कर देने। लॉक करने के बाद आपके जो चैट है वो प्राइवेट हो जाएंगी, कोई भी इसे देख नहीं पाएगा। तो हम बात करेंगे अपडेट नंबर 3 के बारे में। अपडेट नंबर 3 ये बिजनेस से रिलेटेड है। अगर आप कोई बिजनेस का ग्रुप चलाते हैं, बिजनेस का ग्रुप चलाते वक्त अगर आप किसी कस्टमर को कैटलॉग दिखाना चाहते हैं और कोई नया कस्टमर आपके ग्रुप में ज्वाइन होता है और वो कस्टमर को आप हाईलाइट के तौर पे अपनी ऑफर बताना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आपके ग्रुप में एक मैसेज भेजना है, मैसेज भेजने के बाद उसे थोड़ा सा टैप करना है। जैसे ही आप थोड़ा सा टैप करेंगे तो ऊपर देखिए सेव का ऑप्शन नजर आएगा। जैसे ही आप इसे सेव कर देंगे तो आपके बिजनेस ग्रुप में जो भी ज्वाइन होगा उसे हाईलाइट के तौर पर आपने जो सेव किया है वो देखने को मिलेगा। चाहे ग्रुप में कितने भी मैसेज आए हो, जो आपने सेव किया है वही सेव किया हुआ आपके नए कस्टमर को देखने को मिलेगा हाईलाइट के तौर पे। आप देख सकते हैं हमने ग्रुप के अंदर एक ऑफर डाला, ऑफर डालने बाद इसे सेव किया, यहाँ पर ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो हमें ऑफर की हाईलाइट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से आप अपने बिजनेस को ग्रुप के जरिए भी प्रमोट कर सकते हैं और ऑफर को प्रमोट कर सकते हैं। बात करेंगे अपडेट नंबर 4 के बारे में। अपडेट नंबर 4 कुछ इतना खास नहीं है, फिर भी वहाँ पर थोड़ा सा आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। जैसे कि हमारी जो प्राइवेसी पॉलिसी हमें व्हाट्सएप के सेटिंग में देखने को मिलती थी वही आपको देखने को मिलेंगे, पर वहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस किया, सिर्फ जगह चेंज करके जितने भी प्राइवेसी पॉलिसी एक जगह कर दिए गए हैं। तो जैसे ही हम सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद ऊपर देखिए आपको प्राइवेसी पॉलिसी चेकअप, तो यहाँ पर आप जाके आप अपनी प्राइवेसी के हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं। तो ये 4 अपडेट हमें इम्पोर्टेंट लगे तो हमने आपके साथ शेयर किया। तो ये 4 अपडेट में से कौन सा अपडेट सब में अच्छा लगा तो वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना और ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना। तो चलिए अभी मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ इस तरह से नए अपडेट के साथ।